टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग तीन सर्कल बनाएंगे हेक्सागन में, लेकिन इस तरह बनाएंगे कि वो दो साइड को टच करें और बाकी दो सर्कल को टच करें। तो पहले एक लाइन बनाते हैं 60 mm, उसको लिखते हैं ए एंड बी। उसके बाद बी टू ए लेके आर्क बनाएंगे और ए टू बी लेके आर्क बनाएंगे, जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट ओ। ओ टू ए लेके सर्कल बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा। उसके बाद बी से राइट साइड पे, ए से लेफ्ट साइड पे, अगेन यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट। उसके बाद दिस इज सी डी ई एफ, ऐसे होगा। बाकी सब ये सारे लाइंस को ज्वाइन करेंगे, सारे पॉइंट्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हेक्सागन। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको टचिंग टू साइड्स बनाना है तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी, ओ टू ए एंड ओ टू सी को ज्वाइन कीजिए एंड ओ टू ई को ज्वाइन कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको तीन पार्ट मिल गए। बाद में उसके डायगनल को ज्वाइन कीजिए, ये देखिए। तो जहां पे मिला वो हो गया पॉइंट। पी पी से नीचे जाएंगे, इतना रेडियस, उतना रेडियस लेके सर्कल बना देंगे, ये हो गया वी। पी टू वी लेके सर्कल बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा पहला सर्कल जो दो साइड को भी टच कर रहा है, ए बी एंड बी सी को भी टच कर रहा है, बराबर, और दो सर्कल को भी टच करेगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, डायगनल ज्वाइन करेंगे, सी ई को ज्वाइन करेंगे एंड ओ डी को ज्वाइन करेंगे, ओ एफ को ज्वाइन करेंगे एंड ए ई को ज्वाइन करेंगे। ये हो जाएगा पॉइंट क्यू, ये हो जाएगा पॉइंट आर। सो इतना रेडियस लेके क्यू से कट करेंगे, और आर से कट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम लोग ने तीन सर्कल बना दिए हेक्सागन के अंदर, टचिंग टू साइड्स एंड टू अदर सर्कल्स। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।